हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया प्लांट लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपने समर प्लांट्स के बारे में कुछ बताऊं। तो आज का मेरा टॉपिक है समर प्लांट्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो मेरे सारे लविंग और केयरिंग फ्रेंड्स को डेडिकेट है, क्योंकि जो प्यारे फ्रेंड्स होते हैं, जो लविंग और केयरिंग फ्रेंड्स होते हैं, वो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे आपका बुरा वक्त हो और चाहे आपका अच्छा वक्त हो। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, जो कि कभी अच्छे होते हैं और कभी बहुत बुरे होते हैं। लेकिन जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो आपका, जो आपके केयरिंग फ्रेंड्स होते हैं, लविंग फ्रेंड्स होते हैं, वो आपका हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने अच्छे और प्यारे फ्रेंड्स का साथ कभी ना छोड़ें। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो किस तरह से होते हैं, उसे मैं इन प्लांट्स के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। कि आप जब एक छोटा सा बीज, बिल्कुल छोटा सा बीज मिट्टी में लगाते हैं, तो वो कितना स्ट्रगल और संघर्ष करके उस मिट्टी से बाहर आता है और एक पौधा बनता है। पौधे के बाद एक प्लांट बनता है और प्लांट के बाद एक ट्री बन जाता है। और जब उसमें पहला फ्लावर या पहला फल आता है, तो आपको कितनी खुशी होती होगी ये देखकर कि मेरा स्ट्रगल, मेरा संघर्ष आज कामयाब हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरीके से है कि हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं और स्ट्रगल करके ही हम ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। और उसमें हमारा साथ देता है हमारा परिवार और हमारे सारे प्यारे दोस्त। तो मैं फिर कहना चाहूँगी कि आप अपने अच्छे और केयरिंग लविंग फ्रेंड्स का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिलना आसान है, लेकिन एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद मैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक पे आऊँगी कि हमें समर में कौन कौन से प्लांट्स अपने घर लाने चाहिए, लगाने चाहिए और अपना घर खूबसूरत बनाना चाहिए, कुछ इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत करी है और उस एक साल की मेहनत के बाद मैंने अपने टेरेस गार्डन को कुछ इस तरह का लुक दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का लुक दिया है मैंने अपने टेरेस गार्डन को। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की शुरुआत करते हुए मैं आपको अपने सबसे पहले समर प्लांट से मिलवाना चाहूँगी, जो कि ये है। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में इसका ओवरव्यू दिखाया था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और ये देखिए, तो इसके फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट मेरा प्लांट है, ये देखिए फ्रेंड्स कितने प्यारे लगते हैं। ये देखिए फ्रूट्स लग, ये देखिए कितने प्यारे लग, ये नारंगी का प्लांट है और इसमें समर में बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं। ये मेरा गंधराज का प्लांट है और इसमें सुबह बहुत ही प्यारा फ्लावर खिला था, लेकिन बहुत तेज़ धूप होने की वजह से फ्रेंड्स ये थोड़ा मुरझा गया, तभी मैंने इसे थोड़ा शेड में कर दिया है। इन छोटे छोटे पॉट्स में मैं कटिंग तैयार करती हूँ कुछ इस तरह से। ये भी मेरी कटिंग ही तैयार की हुई है फ्रेंड्स, ये देखिए। अभी मेरे वहाँ दो चार गेंदे के प्लांट्स चल रहे हैं जो कि विंटर सीजन के हैं, और ये मैंने पॉर्चलाका की कटिंग इसमें लगाई हुई है। नेक्स्ट मेरा ये प्लूमेरिया चंपा का प्लांट है। इसमें आप फ्रेंड्स देखिए 20 से
जो ये डंडी निकल रही है इसमें से एक लंबी स्टिक जाती है और इसी में एक बंच खिलता है फ्लावर्स का। और ये मेरा बेले का प्लांट है, इसे लोग मोगरा के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। और इसमें देखिए कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं, जब ये खिलेंगी तो बहुत ही प्यारी लगेंगी, ये देखिए। और मैंने इसे एक वेस्ट मटेरियल कंटेनर में लगाया हुआ है, जो मेरे घर में बेकार पड़ा हुआ था उसे मैंने कलर करके और इस तरीके से लगाया। और यहाँ पर मैंने हिबिस्कस की कटिंग लगाई है करीब 20 दिन पहले फ्रेंड्स, ये देखिए इसका रिजल्ट। ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स हाइब्रिड हिबिस्कस है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये विंटर और समर दोनों में सर्वाइव करता है। और इसका फ्लावर देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लगता है। और ये मेरा ब्यूटीफुल रोज का प्लांट है, एक रोज इसमें खिला हुआ है। इधर मैंने अपने सारे हिबिस्कस प्लांट्स रखे हुए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, कुछ इस तरीके से मैंने अपने गार्डन को डेकोरेट किया हुआ है। और नेक्स्ट मेरा ये कनेर का प्लांट है फ्रेंड्स, इसमें एक महीने से ऊपर हो गया है, ये इसी तरीके से खिले हुए हैं बंचेस में। मेरे गजानिया के प्लांट हैं फ्रेंड्स, इस टाइम धूप थोड़ी कम हो गई है तो उसकी वजह से ये देखिए थोड़ा सा मुरझा है। डॉग फ्लावर्स, और ये मेरा अपराजिता का प्लांट है फ्रेंड्स, ये एक वाइन होती है और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए इसमें इस तरीके से ब्लू कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। और ये फ्रेंड्स मेरे टर्टल वाइन है, ये भी मैंने वेस्ट मटेरियल कंटेनर में लगाई हुई है फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है कुछ इस तरीके से। ये पिजन्स फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये मेरे बच्चों को बहुत शौक है, ये देखिए कितने खूबसूरत दिखते हैं। आगे मैंने कुछ अपने विंटर फ्लावर्स रख रखे हैं क्योंकि इन्हें थोड़ा सा शेड चाहिए होती है। और ये मेरा देसी सदाबहार का प्लांट है और ये समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है कुछ इस तरीके से। और ये मेरा चांदनी का प्लांट है, ये देखिए फ्रेंड्स इसके लीव्स देखिए कितने डिफरेंट हैं। ये मेरा अलमंडा का प्लांट है, इसमें हिबिस्कस की तरह येलो कलर का बहुत बड़ा सा फ्लावर्स खिलता है और ये एक वाइन है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर डंडे के से स्टिक कर रखा है। और ये मेरा मधुकामनी का प्लांट है, इसमें भी छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और ये मेरा नींबू का प्लांट है, आप जानते ही हैं कि नींबू समर में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, इसीलिए आप नींबू का पेड़ लगाइए अपने घर में और आराम से नींबू का इस्तेमाल करिए। और ये मेरा हिबिस्कस का मदर प्लांट है जिसकी कटिंग मैंने वहाँ पर लगाई हुई। तो फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट अ लीस्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने परिवार का अपने दोस्तों का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि आपके अच्छे या बुरे वक्त में वही काम आते हैं। तो मैं अपने गार्डन का थोड़ा सा व्यू दिखाते हुए आपको अलविदा कहना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो
अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।